माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे फुल्ली ऑटोमेटेड कैश बुक डिजाइन करना, जिसमें आप पर्सनल या बिजनेस के कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह की फुल्ली ऑटोमेटेड कैश बुक हम यहां पर डिजाइन करेंगे। इसके लेफ्ट साइड में रिसीप्ट की एंट्रीज होंगी, यानी जो पेमेंट हमने रिसीव किया उसकी एंट्रीज यहाँ पर होंगी। कैश में रिसीव हुआ तो कैश वाले कॉलम में, और बैंक में रिसीव हुआ तो बैंक वाले कॉलम में। इसी तरह से ये पेमेंट्स वाले कॉलम में पेमेंट्स की एंट्रीज की जाएंगी, यानी जो पेमेंट आपने किया, बैंक से किया तो बैंक वाले कॉलम में, और कैश किया तो कैश वाले कॉलम में। इस तरह से आप सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में समरी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती रहेगी, यहाँ पर रिसिप्ट की समरी और यहाँ पर पेमेंट्स की समरी। जैसे रिसिप्ट में कैश टोटल और बैंक टोटल, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल। इसी तरह से पेमेंट्स का टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आते जाएगा, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। एक एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे, डेट एंटर करेंगे, और ये जो हम एंट्री करेंगे वो करेंगे रिसिप्ट की। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ पैसा बैंक में प्राप्त हुआ कमीशन के रूप में, तो यहाँ पर हम बैंक वाले कॉलम में अमाउंट एंटर करेंगे 5000, जो भी अमाउंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक का टोटल चेंज हो गया है, और क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। और यहां पर हम टाइप कर देंगे बाय कमीशन अकाउंट। आप यहां पर नीचे भी एंट्री करेंगे तो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली यहां पर हो जाएगी, अलग से कोई भी फंक्शन या फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की आवश्यकता यहां पर नहीं होगी। जैसे हम यहां पर डेट एंटर करते हैं और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गई है। एंट्री करते हुए यदि आप यहां पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर हेडर्स हाइड नहीं होंगे, सभी हेडर्स यहाँ पर क्लियरली विजिबल रहेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं इस फुल्ली ऑटोमेटेड कैशबुक को डिजाइन करना। तो यहाँ पर हमने एक्सेल की एक नई वर्कबुक ओपन की है। सबसे पहले हम यहाँ पर कैशबुक की हेडिंग टाइप करेंगे, तो यहाँ ये B9 सेल में फर्स्ट हेडिंग हम टाइप करेंगे जो है डेट। तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन डेट टाइप करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पर लेंगे पर्टिकुलर्स, इसमें हम ट्रांजेक्शन डिटेल एंटर करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हम लेंगे कैश, ट्रांजेक्शन यदि कैश में होगा तो ये कैश वाले कॉलम में एंट्रीज की जाएंगी। नेक्स्ट हम लेंगे बैंक, ट्रांजेक्शन यदि बैंक में होगा तो यहाँ बैंक वाले कॉलम में एंट्रीज की जाएंगी। अब यहाँ पर इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे, और ये एक कॉलम छोड़कर यहाँ पर कंट्रोल वी द्वारा इसको पेस्ट करेंगे। अब इस रो की हाइट को हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, तो यहां से इसको इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल होल्ड करके इन सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहां से मिडिल में अलाइन करेंगे, यहां से बोल्ड रखेंगे, और यहां से फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे 12 रखेंगे। फिल कलर पर जाकर यहां से हम कलर फिल कर लेंगे, ये कलर हम यहां पर रखेंगे, फॉन्ट हम रखेंगे वाइट इस तरह से। अब यहां पर हम कॉलम विड्थ सेट करेंगे, तो डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे यहां पर, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे, और यहां पर ये दूसरे डेट वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे, और किसी एक कॉलम की विड्थ इंक्रीज करेंगे तो दोनों कॉलम्स की विड्थ यहां पर एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह से अब ये पर्टिकुलर्स वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम विड्थ इंक्रीज करेंगे। अब ये कैश और बैंक वाले कॉलम्स को भी सिलेक्ट करेंगे और किसी एक कॉलम की विड्थ इंक्रीज करेंगे, सभी कॉलम्स की विड्थ यहां पर इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से। अब ये कॉलम ए की विड्थ को हम यहां पर कम रखेंगे और कॉलम एफ की विड्थ को भी कम करेंगे यहां पर। अब हम यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इन सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे, फिल कलर पर जाकर ये कलर यहां पर फिल करेंगे। अब यहां पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे, और इसमें हम टाइप करेंगे रिसीप्ट्स, फिल कलर पर जाकर सेम कलर फिल करेंगे, यहां से फॉन्ट कलर करेंगे वाइट, और यहां से बोल्ड करेंगे। अब कंट्रोल सी द्वारा सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर देंगे इसको, और इसमें हम टाइप कर देंगे पेमेंट्स। अब यहां पर इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे और इन हेडिंग्स को भी हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे और इन्हें सेंटर में अलाइन करेंगे इस तरह से। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इन सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे,
और इन रेंज में बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स की विंडो ओपन होगी। अब यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, ये स्टाइल। कलर पर जाएंगे और यहाँ पर कलर लेंगे व्हाइट। अब यहाँ इनसाइड और आउटसाइड दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन सेल्स में बॉर्डर अप्लाई हो गया है, व्हाइट बॉर्डर। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फिल कलर पर जाकर ये डार्क कलर अप्लाई करेंगे। इन सेल्स को करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये रुपीज सिंबल अप्लाई करेंगे। अब जो भी अमाउंट यहाँ इन सेल्स में एंटर करेंगे उसके आगे ऑटोमेटिकली रुपीज का सिंबल आते रहेगा। यहाँ से हम फॉन्ट कलर अप्लाई करेंगे व्हाइट। हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट एंटर करके देखते हैं और एंटर करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं रुपीज सिंबल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ से इसको क्लियर करेंगे फिलहाल। अब यहाँ पर ये रिसिप्ट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, B3 सेल को, और इसमें कंट्रोल वी द्वारा इसको पेस्ट करेंगे। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे। इसके नीचे वाली सेल में भी कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फिल कलर पर जाकर सेम कलर अप्लाई करेंगे इस तरह से। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और व्हाइट बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे वैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करके। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग इधर भी अप्लाई हो जाएगी। इसमें हम टाइप कर देंगे पेमेंट्स। यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहां तक मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे इसी तरह से। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे। अब इन दोनों सेल्स को यहां पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फिल पर जाएंगे, फिल इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहां कलर 2 में हम ये कलर अप्लाई करेंगे और यहां से ओके करेंगे, यहां से भी ओके करेंगे। तो इन सेल्स में इस तरह का इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। इसमें हम टाइप कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस, कंट्रोल बी द्वारा बोल्ड करेंगे, यहां से फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 14 रखेंगे। अब यहां पर इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, साथ साथ सिलेक्ट करेंगे और इन्हें एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहां माई टेबल हाइजर्स के सामने बने चेकबॉक्स को चेक करेंगे और यहां से ओके करेंगे तो ये रेंज एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहां टेबल डिजाइन में इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहां से टेबल डिजाइन क्लियर कर लेंगे इस तरह से। अभी साइडिंग को हम यहां पर इसको रिमूव कर देंगे, इसके लिए यहां से इसको बैक स्पेस द्वारा हटाएंगे और एक सिंगल स्पेस यहां पर हम एंटर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहां से वो टेक्स्ट रिमूव हो गया है। कॉलम एफ की विड्थ को फिर से कम करेंगे, इतना रखेंगे। यहां से फिल्टर को रिमूव करने के लिए इन रेंज में कहीं भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर यहां से रिमूव हो जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे डेट के आगे 2 आ गया है, यहां पर 3 आ गया है, यहां पर 4 आ गया है और यहां पर 5, इनको भी हम यहां से रिमूव कर लेंगे। तो ये फर्स्ट हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसको रिमूव करेंगे और एक बार हम यहां पर स्पेस दे देंगे और एंटर करेंगे इस तरह से। इस तरह से सभी के आगे से नंबर्स को रिमूव करेंगे। अब यहां पर हम इस सेल में टाइप करेंगे कैश टोटल, नीचे बैंक टोटल और नीचे वाली सेल में ग्रैंड टोटल। सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां से लेफ्ट में अलाइन करेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे व्हाइट और यहां से करेंगे बोल्ड। यहां पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, सम फंक्शन इक्वल सम टाइप करेंगे। ये देखिए सम फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमें यहां पर कैश का टोटल करना है, अब जैसे ही आप यहां पर कर्सर लेकर आएंगे तो इस तरह का एरो यहां पर बन जाएगा क्योंकि इन रेंज को हमने टेबल रेंज में कन्वर्ट किया हुआ है और यहां पर क्लिक करेंगे तो रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कैश का टोटल आएगा। इसी तरह से बैंक का टोटल हम यहां पर करेंगे सम फंक्शन द्वारा। यहां पर भी हम इस तरह से कर्सर लेके आएंगे तो इस तरह का एरो आएगा, क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ग्रैंड टोटल के लिए हम यहां पर ऑटो सम के लिए ऑल्ट और इक्वल प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर ग्रैंड टोटल आएगा।
अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कलर करेंगे व्हाइट। अब यदि आप यहां पर कैश में कोई भी अमाउंट एंटर करेंगे तो उसका टोटल कैश में आएगा, ये आप यहां पर देख सकते हैं, और बैंक का टोटल करेंगे उसका टोटल बैंक में आएगा, ये आप यहां पर देख सकते हैं। फिलहाल हम यहां से इसको रिमूव करेंगे। अब यहां पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे। इसी तरह से हम यहां पर पेमेंट्स की समरी प्रिपेयर करने के लिए सम फंक्शन अप्लाई करेंगे सेम टेक्निक द्वारा। सम टाइप किया और ये कैश वाले कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी तरह से बैंक के सम के लिए भी सम फंक्शन अप्लाई करेंगे इस तरह से और एंटर प्रेस करेंगे। ग्रैंड टोटल के लिए ऑल्ट और इक्वल प्रेस करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कलर करेंगे व्हाइट। अब यहां पर ये फर्स्ट रो की हाइट को हम कम करेंगे और ये सेकेंड रो की हाइट को इंक्रीज करेंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे। फिल कलर पर जाकर कलर फिल करेंगे सेम कलर जो हमने नीचे अप्लाई किया है और इसमें टाइप कर देंगे कैश बुक। यहां बीच में क्लिक करेंगे और स्पेस बार प्रेस करते हुए दोनों को डिस्टेंस पर ले जाएंगे। कंट्रोल ए प्रेस करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहां से फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, बोल्ड रखेंगे इस तरह से 24 हम यहां पर रखेंगे। यहां पर मंथ के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे, तो टेक्स्ट पर जाएंगे और यहां से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, इसमें हम टाइप कर देंगे जनवरी 2023। फॉन्ट साइज हम यहां पर कम करेंगे इसका और इसको यहां पर प्लेस कर लेंगे। अब हम यहां पर क्लोजिंग बैलेंस के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और ये रिसीप्ट के टोटल में से माइनस करेंगे पेमेंट का टोटल और एंटर करेंगे, तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस भी ऑटोमेटिकली शो होते रहेगा। अब यहां पर कैश बुक प्रिपेयर हो गई है, अब हम एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट यहां पर हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट के लिए और उसमें डेट एंटर करेंगे। डेट एंटर की पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम यहां पर ओपनिंग बैलेंस एंटर कर लेंगे, तो यहां पर हम टाइप करेंगे टू ओपनिंग बैलेंस अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा जो कैश में है वो कैश में और जो बैंक में है बैंक में। तो कैश में मान लीजिए हम टाइप कर देते हैं 5000, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कैश का टोटल आ गया है और ग्रैंड टोटल आ गया है और क्लोजिंग बैलेंस भी यहां पर आ गया है। इसके फॉन्ट को भी हम यहां पर थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और बोल्ड करेंगे इस तरह से। और ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए बैंक में है हमारे पास 10,000, तो यहां पर हम 10,000 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर बैंक में आ गया है 10,000 और ग्रैंड टोटल आ गया है 15,000 और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस भी 15,000 है। अब यहां पर पेमेंट के लिए भी हम एक एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ऑफिस स्टेशनरी के लिए 5,000 रुपए का बैंक से पेमेंट किया, तो इसके लिए हम यहां पर सबसे पहले डेट रिकॉर्ड करेंगे, जो भी डेट होगा पर्टिकुलर्स में हम टाइप कर देंगे अकाउंट टू स्टेशनरी अकाउंट, और क्योंकि पेमेंट हमने बैंक से किया है तो यहां बैंक वाली कॉलम में हम अमाउंट टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर अब क्लोजिंग बैलेंस रह गया है 10,000 और बैंक का टोटल यहां पर आ गया है 5,000 क्योंकि कैश में अभी कोई भी एंट्री नहीं की गई है। अब यहां पर देखिए एक समस्या ये आने वाली है कि जब आप एंट्री करते हुए नीचे आएंगे तो ये हेडिंग्स ऊपर हाइड हो जाएंगी, इसके लिए हम यहां पर फ्रिज पेंज का उपयोग करेंगे। तो इस रो को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे 10th रो को, व्यू पर जाएंगे और यहां फ्रिज पेंज पर क्लिक करेंगे और फ्रिज पेंज पर क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे ही नीचे आएंगे तो हेडिंग्स यहां पर हाइड नहीं होंगी। अब यहां व्यू पर जाकर ग्रिड लाइंस को हाइड कर लेंगे, ग्रिड लाइंस यहां से हाइड हो जाएंगे। इस कैशबुक में खास बात यह रहेगी कि आपको फॉर्मेटिंग और फंक्शंस के लिए नीचे ड्रैग नहीं करना होगा, जैसे ही आप नीचे एंटर करना शुरू करेंगे तो फॉर्मेटिंग और फंक्शंस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। जैसे हम यहां पर नीचे डेट टाइप करेंगे, यहां पर कोई भी डेट और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग आ गई है। अमाउंट भी आप यहां पर एंटर करेंगे तो फंक्शंस भी यहां पर ऑटोमेटिकली काम करेंगे, ये आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से। ये कॉलम एफ की विड्थ को थोड़ा और कम करेंगे यहां पर इस तरह से।
तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस फुल्ली ऑटोमेटेड कैश बुक को डिजाइन कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।